सबसे पहले मैंने अपने हाथ में ग्रेनेड लिया और भाई मुझे लगा कि बंदा है, तो मैंने बिना देखे बस यूं ही एक एक्सप्लोजन फेंक दिया कि वहाँ अड़ जाएगा, और भाई एक प्यारा सा फिनिश। गाइस वेलकम बैक, कैसे हैं आप सभी लोग? तो भाई साहब आज एक बढ़िया सा लिविक का गेम प्ले निकल चुका है भाई साहब। स्नैपचैट ने मुझे परेशान कर दिया, खेलने नहीं देगा गेम। लेकिन भाई यार अब हम उतरने वाले मिडस्टेन में, और भाई जो डीपी चलाई है मैंने इस बार भाई एकदम अब देखे घबरा जाऊंगे, बोले ऐसी डीपी आ रही भाई कोई हद नहीं इस डीपी चलाने का मेरा भाई। जो नॉक मारे अब सिर्फ मिडस्टेन में उतरा है एक बंदा, देख रहे हो लाइन थी मिडस्टेन के ऊपर ही, फिर भी एक ही बंदा उतरा है। और ये पहली बार मैं खेला हूँ ये फ्लोरेंस मोड, क्या होता है अब देख सकते हो। मेरा बैठने के बटन क्या, खरीदने का बटन है, यानी अगर मैं बैठने की ट्राई भी कर रहा हूँ ना तो भी वो कुछ ना कुछ परचेज कर रहा है। अभी मैं बैठ रहा हूँ देखो, और बार बार मैं बैठने जाता हूँ क्लिक हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। और भाई पहली बार खेल रहे हो तो आपको एक बेनिफिट भी नहीं रहता कि आपको पता भी नहीं क्या करना है। मैंने कुछ वीडियोज़ भी नहीं देखी, एक मोड आया से कर लिया खेल लिया भाई। सेटिंग्स में गया अभी, और भाई सबसे पहले तो उसको बैठने का जो ख़रीदने का था ना, इसको मैंने साइड में किया कि भाई ये बहुत ज़्यादा इनर्ट रहा था। ओके अब यहाँ पे देखो यार बंदे की फाइट चालू हो चुकी है लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है। और भाई देखो मैं पूरा मिडस्टेन, यानी मिडस्टेन तो क्या, मैं इतना किलोमीटर चला चला के भाई साहब यानी कुछ मिल ही नहीं रहा भाई साहब। देखो देख सकते हो कितना घूम रहा हूँ मैं, यानी कोई हद नहीं है घूमने की भाई। देखो कितना लूट है, यानी लूटते रहो, कंट्रोल्स भी चेंज करने पड़ते हैं। देखो ये राइट शील्ड बोलते हैं इसको, जब वॉइस ओवर करता था मुझे याद आया कि हाँ राइट शील्ड बोलते हैं इसको, और ये शील्ड बहुत ज़्यादा काम की होती है। देखो ये बॉट का एक किल आया मुझे सिर्फ, नहीं एक किल चोरी हुआ, वो मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये बग्गी मिली है, बग्गी लेके जाते ओ देखो ये भी किल चोरी भाई, किल चोरी तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है। लेकिन जो डीपी से किल्स किए थे यार वो किल्स तो यानी भाई साहब ये ओके। यहाँ उतरा आगे नहीं लगा बंदा है, लेकिन भाई जैसे आगे जाता हूँ यानी कुछ होता ही नहीं है आगे, यानी एकदम साफ ये कुछ। ये भी मोड है देखो एक ग्रीन कलर का, आपको सर्कल दिख रहा होगा इसके अंदर, यानी क्या होता है आपकी हेल्थ अपने आप बढ़ती चालू हो जाती है पता नहीं कैसे, लेकिन आपकी हेल्थ कम हो गई ना। ये देखो एक नॉक हुआ मेरा, मुझे लगा सीधा महाराष्ट्र मार रहा हूँ और किल लेने जाता हूँ क्योंकि भाई किल्स चाहिए बहुत किल्स। अब क्या जैसे मेरे किल से एक है देखो वही बॉट को मारा है, तो अब ये मुझे मिला फाइनली एक बंदा और एक बॉट भी है। अब देखना ये बंदा, ये बॉट है अभी तो, ये बंदा ये जो M7 चला रहा है ना इसका नाम किल फील्ड में आएगा अभी, इसको हम पे लेंगे। वो रहा देखो राइट में दिखा मेरे को, क्या ही M4 के स्पेस से एक ही बार में किल कर दिया है पूरा। अब मारते हैं बॉटों को, तो ये आया एक बॉट सिर्फ और सिर्फ हेड, और डिंग डिंग की आवाज़ सुन रहे होंगे आप, डिंग डिंग डिंग, तो सिर्फ वो ही मारे है। तो इसको लूट लेते हैं और आगे, और जो डीपी का स्प्रे अब आने ही वाला है यार, और जो बंदे ने मुझे मारा यार, जो बंदा भी ओम चला रहा था क्या चला रहा था लेकिन पता नहीं। तो देखो यहाँ सामने बंदा आ चुका है मेरे पास भाई, क्या ही मुझे पेल रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं। देखो ये बॉट आ गया यहाँ से अचानक घर में, और भाई मेरी HP देखो सिर्फ और सिर्फ 30 HP है, और ये सामने वाला बंदा कंटिन्यूस फायर कर रहा है। तो अब यार इसको मारने के लिए मुझे एक अच्छी गन चाहिए कि DP जैसी, तो मुझे पता है कि कुछ खरीदने का ऑप्शन होता है, तो शायद मैं वहाँ से यानी कुछ DP ज़्यादा खरीद सकता हूँ। मेरे को दिमाग में आया तो मैंने एक DP का क्लिक करा, ऑर्डर आ ही नहीं रहा, फिर देखा ग्रीन कलर में, तो क्लिक कर ही रहा हूँ मैं कब से सेंड ऑर्डर, बट वो आ ही नहीं रहा। फिर कुछ दिमाग लगा कि लोकेशन के नीचे बटन है तो वो दबाया, देखो ये मुझे पढ़ने लगे इतने में, तो जब तक ये आ भी गया मेरी DP। और भाई अब यानी M4 में 6x यानी 3x तक अच्छा चलता है, उसके बाद अगर 6x करना तो रिकॉइल बहुत गंदा चलेगा उसका। तो मैंने सोचा यार क्यों ना DP खरीद ले हम, और हमारे पास कॉइंस तो ऐसे ही पड़े ही है, तो यार फिर मैंने DP खरीद लिया यहाँ से। अब जो DP चला रहा हूँ मैं, अब सबसे पहले बंदे स्पॉट करने की देरी है, तो बंदा कहाँ स्पॉट होगा मुझे? ओके सामने बंदा था बट यहाँ पे ओके मुझे दिखा। ओके देखो अब मैं यहाँ से सीधा खड़ा होता हूँ, और भाई वो लेटा हुआ था भाई, लेटे मुझे मार रहा था, एक प्यारा सा नॉक किया इसको, और भाई इसको बंदे को ढूंढने की देरी कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं पैसा फिनिश कर देंगे। फिर इसके बंदे को ढूंढते हैं, ओके ये एक बहुत ही प्यारा सा फिनिश हो चुका है DP से, यानी आप देखा भाई 5 किल हो चुके मेरे, यानी 2 बॉट 3 बॉट हो गए, और ये इधर 4 बॉट मार दिए और एक ही प्रो। ओ भाई ये जो छोड़ पड़ा था मेरा Level 3 का हेलमेट था मेरा, वो टूट चुका था देख सकते हो आप। HP देखो मेरे 10 HP 5 HP है, मुझको भी नहीं पता कितनी है, हेलमेट नहीं है लेकिन मेरा आप देख सकते हो भाई साहब जो पड़ा ना मुझे। मैं यार बोला हेल्प कर दो मुझे, फॉलो मी करो भाई तुम आ जाओ मेरे पास क्योंकि मैं बचने नहीं वाला हूँ अभी। तो एक राइट शील्ड भी थी मेरे को, आपको दिखा मैंने पहले बोला था राइट शील्ड भी आती है, तो मैंने वो क्रिएट कर लिया भाई। अब इसे क्या होगा मुझे एटलीस्ट पड़ेगा तो नहीं, मैं एटलीस्ट खड़ा तो हो सकता हूँ, देख सकता हूँ बंदे कहाँ हैं,
एक तो भाई ये गेम मेरा पूरा वेस्ट हो जाता, सामने से लग रहा था बंदा है, लेकिन लग रहा था और है भी, बट यहाँ पे खुद से पता चलोगे मेरे घर में, तो पहले घर वाले बंदे को मार दे, नहीं तो चला ध्यान आगे दूंगा, मार पीछे वाला बंदा देगा मेरे को। ओके सामने देखो बंदा भाग रहा है, लेकिन एक भी गोली कनेक्ट नहीं हुई, डीपी का रिकॉइल हक दिया भाई, छोड़ो डीपी का रिकॉइल बहुत कम कंट्रोल था मेरे से, और ये बंदा था क्या ही नॉक किया, पहले चार गोली चलाओ फिर रुक जाओ, एकदम सारी गोलियाँ उसके उड़ने वाली है, कोई टेंशन नहीं लेने का भाई। तो ये बयान के बाद अब बंदे ढूंढने बहुत भारी पड़ने वाले थे, क्योंकि ये बंदा भी छुप चुका था और बंदे कहाँ है वो ढूंढना यार बहुत ज़्यादा भारी था। तो चलो अब डायरेक्ट जहाँ बंदे होते हैं वहाँ जाते हैं। यहाँ पर गोलियों के साउंड बिल्कुल रुक ही नहीं रहे थे, और भाई सामने एक बंदे ने गलती से गोली चला ली और यार वो मेरे चपेट में आ गया, और नाम देखो कोरोना वायरस भाई, इसको तो पूरा ही मारना पड़ेगा क्योंकि ये वापस नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए वापस, क्योंकि भाई कोरोना वायरस है यार, उसको मैंने हाथों हाथ मार दिया यार, हमको रिस्क ही नहीं लेने का बिल्कुल। सामने भी बंदा है तो अब यार उसको कैसे मारने का, यानी बंदे तो यानी आप देखो सारे पत्थर के भी छुपके बैठे हैं, कोई पीक करने को तैयार नहीं, और ये भागा, इसको मेरा डीपी का इतना गंदा स्प्रे मैंने मारा, इतना गंदा, यानी इसकी शायद मेरे हिसाब से एक या 5-10 एच पी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि यार मेरी डीपी इतनी पक्की है ना भाई। देखो ये बाहर निकला लेकिन वापस मर चुका था, और नाम पढ़ो एग्जाम डेल, जो उसको मैंने पहले नॉक किया था उसी को, और भाई जब तक मेरे घर में एक बंदा आ चुका है, अब यार घर वाले बंदे को पहले मारना पड़ेगा, लेकिन भाई यार इसको कैसे मारूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि कैंप कर सकते, ये मिशन की जो मेन बिल्डिंग होती है वहाँ जिस लेवल का कैंप होता है ना, ऐसा कैंप कहीं नहीं होता, यानी लोग इतना ज़्यादा ही कैंप करते हैं, आपका फुटस्टेप्स नहीं आएगा, जैसे आप अंदर जाओगे ना आपको बूम बाम कर देंगे आपका। तो मेरा फ्रेंड ने शायद मैंने ही मारा एग्जाम डेविल को, और कोई बॉट ने किसी ने किसी को एक को मार दिया, यानी अब बचे हैं 2 जन, अब जो कि मुझे पता नहीं है, एक तो मेरे घर में ही है, दूसरा ढूंढना है मुझे, दूसरा कहाँ होगा वो ढूंढना बहुत ज़्यादा ही भारी था। तो लेकिन अब सब जगह चक्कर तो मारने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई नहीं सकता, क्योंकि मेरे पीछे जोन है, जो भी है मेरे आगे ही है, शायद सामने वाले घर में भी हो सकता है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पत्थर वाले पत्थर बंदा है शायद, मुझे लग ही रहा था, मैंने मार्क भी किया, अब यार मार्क करा जाने मुझे लग ही रहा है, तो इसलिए ड्रिंक लगा सबसे पहले, और भाई सबसे पहले मैंने अपने हाथ में ग्रेनेड लिया, और भाई मुझे लगा कि बंदा है, तो मैंने बिना देखे बस यूं ही एक एक्सप्लोजन हाथ फेंक दिया कि वहाँ अड़ जाएगा, और भाई एक प्यारा सा फिनिश भाई। ये फिनिश आपको कैसा लगना चाहिए मुझे कमेंट बताओ, क्योंकि भाई ये फिनिश मैंने बिना देखे कर लिया, मैंने जस्ट ग्रेनेड लिया हाथ से, जस्ट फेंक दिया, और भाई वो बंदा खुद शॉक में होगा, बोले भाई ग्रेनेड कहाँ से आ गया भाई, वो सामने मैंने खाली ऐसे ऊपर किया फेंक दिया, आपको पता ही होगा भाई साहब, ये प्यारा एक बहुत ही बढ़िया फिनिश था, इसके लिए यार 1 लाख तो बनता है। अब बचा सिर्फ आखिरी बंदा, उसको मारने के लिए और सारी एनर्जी ड्रिंक पी ली मैंने, और मुझे लगा था शायद वो हील बैटल ही करेगा, और मैं इसको शायद यहाँ से मार दूंगा, कैम्प वैम कर रहा होगा तो इसके जाली पे चढ़ जाऊँगा, लेकिन भाई मेरा हेल्थ जाने लग गया, अचानक जोन आने लग गया, और भाई जैसे मैं यहाँ कवर में आया मतलब यहाँ से तो इसको पेल दूंगा, क्योंकि एकदम जैसे आएगा दिख जाएगा, और भाई वो जोन से ही मर चुका है। तो यार बहुत बढ़िया चिकन यार आ चुका है, और यार ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो यार ब्लॉग क्या आएंगे, जल्दी आएंगे, एक टाइम ले रहे हैं ब्लॉग्स भी, लेकिन ज़रूर आएंगे। आपको ये गेम प्ले कैसा लगा और गो ग्रेनेड कैसा लगा मुझे मुझे कमेंट में बताओ यार। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले गेम प्ले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।